यदि सूरज की चमक को पाना है, यदि सूरज की चमक को पाना है तो तपन को सहन करना पड़ेगा, तपन को सहन करना पड़ेगा। यदि कामयाबी पानी है, यदि कामयाबी पानी है तो मेहनत करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविशंकर थी, आज फिर से आप सभी लोग सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं एक नए अपडेट का। बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे राजस्थान से कि सर वीडियो पे कट ऑफ बनाइए, वीडियो पे कट ऑफ बनाइए सेकंड पेपर के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक कट ऑफ लेकर आ चुका हूं। यदि आपकी मांग इस रेंज में आ रहा है तो आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो का रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट की भी डेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे राजस्थान ग्राम सेवक अधिकारी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो बात कर लेते हैं वीडियो की कट ऑफ की बात कर लेते हैं मेल एंड फीमेल। अगर आप चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल के लिए, मेल के लिए यदि आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीमेल के लिए बात कर सकते हैं यदि 44 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें यदि आपके 47 आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीमेल की बात करें यदि आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं या 43 आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एससी की बात करें यदि आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें यदि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसटी की बात करें यदि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें अगर आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें यदि आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीमेल की बात करें यदि आपके 38 मार्क्स आ रहे हैं आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब रही बात वीडियो के फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो वो मार्च में आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं 10 मार्च के आसपास आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद, जय भारत।